सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज के हिंदी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस अभ्यास में हम लोग देखिए क्या सीखने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे संज्ञा के भेद। अभी तक मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि उसके और भी भेद हैं, दो और भेद हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं, वो है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर मैंने ये भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है वो दो प्रकार से होती है, या तो वो मूल शब्द होगा यानी कि वो बेस वर्ड होगा, या तो उसी बेस वर्ड से कुछ और बनाया जाएगा, जैसे सजाना से सजावट। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना रचना यानी किसी चीज को बनाना, फॉर्म करना, किसी जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में तथा अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती है। तो अगर हमारे पास कोई संज्ञा शब्द है या कोई सर्वनाम शब्द है, उसे हमें भाववाचक में बनाना है, उसमें हम लोग एक प्रत्यय को जोड़ते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है कि एंड में कुछ एक दो लेटर्स को ऐड करने से वो एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे कि हमारे पास ये पन हो सकता है, त्व हो सकता है, ता हो सकता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में, प्रायः शब्दों के अंत में जितने भी जो लगेंगे, एक छोटा सा शब्द, उसे कहेंगे प्रत्यय। जैसे पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी दिया जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा है, उसे हमें भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसे नया वर्ड बनाना है। ठीक है, तो जैसे अगर मित्र दिया हो तो उससे अगर हम ता ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मित्र, और तार लिखेंगे आगे तो ताव, मित्रता, पशुता, नारित्व, घरेलू, सज्जन, सज्जनता, पुरुष, पुरुषत्व, पंडित, पंडित्व, भाई, भाईचारा, दानव, दानवता, भक्त, भक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस वर्ड कुछ है, उसी में थोड़ा बहुत ऐड करके हम जातिवाचक संज्ञा से क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन में आए तो ये जातिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में, अगर उससे बन गया है कुछ नया वर्ड तो वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम दोनों चीज देख रहे हैं, एक तरफ तो वो जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ भाववाचक संज्ञा है। तो आपको अगर सिलेक्ट करना दिया जाए कि आप संज्ञा को सिलेक्ट कीजिए, तो आपको दोनों वर्ड सिलेक्ट करना है। अगर एक ही वर्ड है तो उसको आप बताना होगा उस वर्ड में कि क्या वो जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? तो सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस, तो एक वर्ड है पराया, तो पराया से भाववाचक शब्द कैसे बनेगा? परायापन। अहम, अहम से बनेगा अहंकार। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं, जो बेस वर्ड है, सर्वनाम है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रत्यय जोड़कर हम उसे भाववाचक में चेंज कर दे रहे हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्रिया यानी कि वर्ड, तो क्रिया हो सकता है जैसे उड़ना, उड़ना से हो गया उड़ान, नाचना से नाच, बचना से बचाव, खोदना से खुदाई। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्रिया से भाववाचक में चेंज किए गए हैं। अब विशेषण देखते हैं, तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और राइट साइड में भाववाचक शब्द संज्ञा में उसे चेंज किया गया है, बदला गया है। तो वो है मीठा से मिठास, पागल से पागलपन, लाल से लाली, दयालु से दया,
चतुर से चतुराई या चतुरता भी हो सकता है, गंभीर गंभीरता, भला भलाई, करवा करवाहट, सुंदर सुंदरता, स्वस्थ स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं वो विशेषण से भाववाचक में बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखकर आप इसे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों के साथ शेयर करना ही भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।